आज का टॉपिक मानव में पाचन, ये अपना टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र का, डाइजेस्ट सिस्टम। ये पाचन तंत्र की शरीर को आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है मनुष्य को किससे? भोजन से। और भोजन अपन ग्रहण करते हैं और इसका होता है पाचन, जिससे अपने को प्राप्त होती है क्या? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा के द्वारा अपन कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य को संपन्न कर पाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा हमें ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और पाचन तंत्र किसे कहेंगे? शरीर के वह सभी अंग जो भोजन के पाचन से संबंधित होते हैं, यानी कि भोजन को पचाने में जो भी सहायक अंग होते हैं, वो सारे मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं पाचन तंत्र को। इस पाचन तंत्र का निर्माण के अंदर आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ, ये दोनों मिलकर इस पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी तंत्र हो, चाहे पाचन हो चाहे श्वसन तंत्र हो, उसका निर्माण होता है हमेशा, जैसे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से बनता है कोई भी अपना तंत्र, और इससे बनता है क्या? पूरा शरीर। जैसे कि ये तंत्र हैं, पाचन तंत्र, इनका निर्माण भी किससे होगा? अंगों से मिलकर ही होगा। तो इसमें जो अंग भाग, इसमें अंग जो काम में आएंगे, वो आएंगे एक तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। ये दोनों अंग मिलकर पूरे इस पाचन सिस्टम का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं आहार नाल में कौन कौन आते हैं। इस आहार नाल में मुख गुहा, या इसको मुख गुहिका या ग्रास नलिका, आमाशय तथा आंत, ये आंतें दो प्रकार की होती हैं, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, इनको सम्मिलित किया गया है। और पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, लिवर और अग्नाशय, इसको कहा जाता है पेनक्रियाज, अग्नाशय। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले आहार नाल में मुख गुहा की। ये मुख गुहा अपने भोजन के पाचन में कैसे सहायक होते हैं? मुख में क्या होते हैं? उपस्थित दांत होते हैं। ये दांत भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं, यानी कि भोजन को ये तोड़ने का काम करते हैं या पीसने का काम करते हैं। और हम जानते हैं कि दांतों की जो संख्या होती है, ये वयस्क मनुष्यों में वो होती है कितनी? 32 होती हैं, तथा बच्चों में इसकी जो संख्या होती है वो होती है 20। या इन दांतों, बच्चों में जो दांत होते हैं वो होते हैं दूध के दांत। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध के दांत या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी 20 होगी। और ये जो स्थायी दांत हैं, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती हैं। और ये जो दांत हैं, ये दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक दांत, दूसरे हैं रजनक दांत, तीसरे हैं अग्रचवर्णक, चौथा है चवर्णक दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है कृंतक। ये कृंतक दांत सबसे आगे और आगे की ओर स्थित होते हैं, चपटे तथा धारदार होते हैं। और प्रत्येक जबड़े के एक, और इनकी बात करें यदि संख्या की, तो इनकी संख्या होती है दो होती हैं। कितनी होती हैं? दो होती हैं। और ये जो कार्य करते हैं कृंतक दांत, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? भोजन को काटने का। ये जो रजनक दांत हैं, ये रजनक दांत प्रत्येक जबड़े के एक, और इनकी संख्या एक होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? एक। और इनका कार्य है भोजन को चीरने फाड़ने का। इनका कार्य क्या है? भोजन को चीरने फाड़ने का। और बाद में बचे हुए अग्रचवर्णक तथा चवर्णक, इनको अपनी भाषा में या देवनागरी लिपि भाषा में कहा जाता है इनको डाढ़े। अपनी भाषा में इनको क्या कहते हैं? इनको डाढ़े। ये होती हैं डाढ़, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये जो अग्रचवर्णक है, ये होती हैं इनकी संख्या दो एक जबड़े की ओर। और जो चवर्णक दांत होते हैं, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े के एक, और इनकी भी होती हैं क्या? तीन। और इन दोनों का जो कार्य है, इन दोनों का कार्य है भोजन को चबाने का। अगर चवर्णक तथा चवर्णक दोनों का कार्य है चबाने का, तथा रदना का है चीरने फाड़ने का, कृंतक का कार्य है इसका भोजन को काटने का। अब क्वेश्चन पूछा जाता है एक और, दंत सूत्र। एग्जाम में सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दंत सूत्र। दंत सूत्र होता है 21 23.21 23, बराबर इनकी संख्या होती है 32। ये जो 2 1 2 3, अपन ने जैसे कृंतक धातु की संख्या देखी थी प्रत्येक जबड़े के एक, और इनकी संख्या कितनी? दो होती है। अपने जबड़े होते हैं कितने? दो। उनमें एक और इनकी संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। और टोटल इनकी संख्या हो जाएगी, टोटल इनकी संख्या होती है 8। जैसे कि रजनक है, रजनक प्रत्येक जबड़ा, दो जबड़े हैं, दो जबड़े के एक जबड़े में एक और इनकी संख्या होती है टोटल 4, और इनकी होती हैं वापस 8।
और इनकी संख्या होती है वापस 12, यानी कि 8 चार 12, 12 और 8 20, 20 और 12 टोटल हो जाएंगे 32। जैसे दंत सूत्र है, दंत सूत्र होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2। ये 2 1 2 3 इसका मतलब है ये तो ऊपर वाला जबड़ा, ये भाजक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो संख्या है ये तो ऊपर वाले जबड़े की है, और नीचे जो संख्या लिख रखी है ये है निचले वाले जबड़े की। ये जैसे कि लिख रखा है 2 1 2 का मतलब है ये कृंतक दांत, इस 1 का मतलब होता है रधनक दांत, ये 2 का मतलब है अगर चवर्णक दांत, 3 का मतलब है चवर्णक दांत है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 3 2 5 5 और 3 8, यानी कि ऊपर वाली सभी संख्याओं को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और ये निचले वाले जबड़े हैं इनकी संख्या को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अपन ने देखी थी प्रत्येक जबड़े के एक और, तो प्रत्येक जबड़े की दो साइड होगी, तो 8 और 16 अपॉन 16 बराबर हो जाएंगी टोटल संख्या इनकी कितनी, 32। ये तो है अपना मुख गुहा में उपस्थित दांत। अब बात करते हैं अपन इस ग्रास नलिका की या ग्रास नली की। मुंह में अपन ने क्या किया, भोजन को चबाया था। अपन पाचन ग्रंथियां और आहार नाल दोनों को सेपरेट पढ़ेंगे, बाकी जो लार ग्रंथियां वो भी कहाँ होती है, मुंह के अंदर ही होती है, लेकिन अपन उनको दोनों को सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे। ये जो ग्रास नलिका है, ये ग्रास नलिका पाचन तंत्र का अंग तो है, लेकिन यह पाचन में भाग नहीं लेता या भोजन का पाचन नहीं करता है, क्योंकि इस ग्रास नलिका का कार्य इतना ही है कि अपने मुख गुहा में जितना भी भोजन को अपन ने चबाया है या उनको जितना भी यांत्रिक पाचन किया है उसका क्या, उस भोजन को यह पहुंचाता है कहाँ तक, आमाशय तक पहुंचाता है। और इसकी जो लंबाई होती है ग्रास नलिका की, वो होती है 25 सेंटीमीटर होती है मात्र। और ध्यान रखना कि जो ग्रास नलिका एकमात्र ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र का हिस्सा होते हुए भी यह भोजन का पाचन नहीं करता है, क्योंकि कार्य इसका केवल इतना ही है कि मुंह में जितना भी भोजन है उस भोजन को यह पहुंचाता है कहाँ तक, है आमाशय तक यह पहुंचाता है, इसका कार्य एकमात्र इतना सही है। अब बात करते हैं अपन आगे आमाशय की। आमाशय है भोजन सबसे पहले मुंह, इसमें दांत होंगे वो चबाएंगे, फिर जाएगा ग्रास नलिका के माध्यम से कहाँ तक, आमाशय तक। इस आमाशय की जितनी भी दीवारें हैं वहाँ पर पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ। और इस जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्त्रवण होता है। जठर रस का मतलब होता है कि एक तो होता है इससे HCl अम्ल, दूसरा होता है इससे पेप्सिन व रेनिन अम्ल का स्त्रवण। कौन से अम्ल का, HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को कौन सा अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। केवल यह एकमात्र अम्ल है जो भोजन के पाचन में काम आता है, बाकी कोई सभी अम्ल भोजन में काम नहीं आता, या पाचन से संबंधित जब कभी भी अम्ल का नाम पूछा जाए तो अपने को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही सही करना है, इसके अलावा कोई सा भी अम्ल भोजन के पाचन में काम नहीं आता है। अब देखते हैं अपन कि HCl, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, इन तीनों का कार्य होता क्या है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, यह HCl भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है HCl का, भोजन में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं या जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सिक्स जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है हमेशा, कौन, HCl करता है। और अब देखते हैं अपन पेप्सिन एंजाइम, यह पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, और इसको प्रोटीन को पचाकर यह पेप्टोन्स के अंदर बदल देता है या पेप्टोन्स में यह इसको कन्वर्ट करता है। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। और इसको याद कैसे रखना है, प्रोटीन का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है या कौन करता है, तो ये करता है। जैसे प्रोटीन में भी सबसे पहले आता है पी, और ये किस में बदलता है, पेप्टोन्स में, इसमें भी पी आता है, और कौन सा एंजाइम बदलता है, पेप्सिन एंजाइम, यानी कि इसमें तीनों में क्या होंगे, पी पी पी, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में हमेशा बदलता है। और रही बात अब रेनिन एंजाइम की, इस रेनिन एंजाइम का कार्य केवल इतना सा है, ये केवल दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है, कौन करता है, रेनिन एंजाइम। ये सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इस आमाशय के अंदर ध्यान रखना हमेशा सर्वाधिक जो पाचन होता है वो होता है प्रोटीन का, और लगभग इस आमाशय में भोजन का पाचन हो चुका होता है। और जब इसका पूरा पाचन हो जाए, पूरा नहीं कहेंगे हम, लगभग अधिकांश जो पाचन है वो लगभग इसमें आमाशय में हो जाता है, फिर बाद में जाता है ये छोटी आंत के अंदर। कहाँ पे जाएगा, ये भोजन जाएगा छोटी आंत में।
अब ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत में भोजन रहता है सबसे अधिक लंबे समय तक। और बात करें यदि इस छोटी आंत की लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि छोटी आंत की लंबाई बताओ, उसमें ऑप्शन ए में दे रखा था 6, ऑप्शन सेकंड में दे रखा था 7 और ऑप्शन थर्ड था 8 व 9। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या सही करोगे? अपने को जब भी पूछा जाए जनरली कि छोटी आंत की लंबाई कितनी, तो अपने को बतानी है 6 से 7। लेकिन जब दोनों ही अलग अलग आंकड़े आ जाए तो अपने को हमेशा सही करना है कौन सा? 7 आंकड़ा सही करना है। क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया था कि जो महिलाएं होती हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई होती है 6.9 मीटर तथा पुरुषों की होती है 7.1, और इन दोनों का जो एवरेज होता है 7 होता है, इसलिए इस 7 आंसर को सही माना गया था। और इसे भोजन का अवशोषण सबसे अधिक जो होता है इस छोटी आंत के अंदर होता है। यदि पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होगा, तो छोटी आंत में होगा। और भोजन सबसे अधिक लंबे समय तक कहाँ पर रहता है, तो भी वो कहाँ पर रहेगा? छोटी आंत के अंदर ही रहता है। और इसके अंदर पाचन होता है सर्वाधिक, किसका? वसा का पाचन होता है। अब बात करते हैं अपन इस बड़ी आंत की, कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है। ये बड़ी आंत है, इसकी लंबाई होती है कितनी? 1.5 मीटर, जबकि छोटी आंत की लंबाई कितनी थी? 6 से 7 मीटर थी। और इसकी बात करें यदि चौड़ाई की, चौड़ाई होती है इसकी 5 सेंटीमीटर तथा छोटी आंत की होती है कितनी? 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि चौड़ाई है, चौड़ाई में से किसकी अधिक होगी? बड़ी आंत की अधिक होती है। और लंबाई किसकी अधिक होती है? छोटी आंत की अधिक होती है। अब इस बड़ी आंत का कार्य क्या है? छोटी आंत के अंदर भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका संपूर्ण पाचन कहाँ पे हो जाता है? इस छोटी आंत के अंदर हो जाता है। उसके बाद अपने पाचन नहीं होता है। जब छोटी आंत में पूरा पाचन हो जाए तो बड़ी आंत को निकाल के फेंक देना चाहिए क्या? नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस बड़ी आंत में जितना भी अपचित भोजन है, कौन सा भोजन? अपचित भोजन। अपचित का मतलब जिसका पाचन नहीं हुआ हो। उस अपचित भोजन से जल का अवशोषण जो होता है, वो होता है हमेशा कहाँ पे? बड़ी आंत के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा था सबसे पहले कौन सा? आहार नाल। इस आहार नाल में अंग कौन कौन से थे? एक तो था मुख गुहा, दूसरा था अपना मुख गुहा के बाद ग्रास नलिका। ग्रास नलिका से भोजन कहाँ पे जाता है? आमाशय के अंदर। आमाशय के बाद जाता है कहाँ पे? आतु में। आतु में पहली आंत कौन सी थी? छोटी आंत। और ये दूसरी को बड़ी आंत नहीं करना अपने को, बड़ी आंत दूसरा है, मोटी आंत नहीं, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत। दांत भोजन को यांत्रिक पाचन करेंगे। यांत्रिक पाचन करके किसके माध्यम से? ग्रास नलिका के माध्यम से, जिसकी लंबाई होती कितनी? 25 सेंटीमीटर लगभग। ये ले जाएंगे कहाँ पे? आमाशय। आमाशय में कौन कौन सा होता है? एक तो एसीएल अम्ल होता है, एक होता है रेनिन एंजाइम तथा पेप्सिन एंजाइम। एसीएल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको कहा जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है एसीएल को। और ये एसीएल भोजन में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको ये क्या करता है? नष्ट करता है। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन्स के अंदर ये कन्वर्ट करता है। छोटी आंत सबसे लंबे समय तक भोजन रहता है और सबसे अधिक अवशोषण होता है। और इसमें एक पॉइंट बिंदु और याद रखना अपने को, कि यहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? संपूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में जब यह संपूर्ण पाचन हो जाएगा तो बड़ी आंत क्या करेगी? बड़ी आंत में केवल यही होगा कि जितना भी अपचित भोजन है, जैसे कि 3 चपाती का ही, उसमें से 2 का पाचन हो गया और एक जो बची हुई उसको क्या कहेंगे अपन? अपचित। जो भी अपचित भोजन है इससे क्या होगा? जल का अवशोषण किया जाएगा इस बड़ी आंत के द्वारा। ये तो हुई क्या? सारे आहार नाल के अंग। अब अपन बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। पाचन ग्रंथियों में पहली कौन सी ग्रंथि थी? लार ग्रंथि। 3 ग्रंथियाँ पाचन में काम आती हैं, लार, यकृत तथा अग्नाशय। ये 3 ग्रंथियाँ ही काम में आती हैं। ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? टाइलिन नामक एंजाइम का स्थान होता है, जिसको एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या? एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, लार ग्रंथि से निकलने वाला। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये भी लगभग एसएससी में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है या कौन सी ग्रंथि करती है। यदि अपने को एंजाइम पूछे तो कौन सा?
टाइलिन एंजाइम करता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन। और मनुष्य के प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्तरण होता है मुख से, और इस जो एंजाइम है टाइलिन नामक एंजाइम, इसमें 99% तो होता है क्या वाटर, जल होता है, केवल मात्र 1% क्या होता है इसमें एंजाइम होता है। और ये स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर बदलता है, यानी ये माल्ट को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो लार के अंतिम कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन करता है। अब अपन बात करते हैं लीवर की, यकृत। यह जो यकृत है दूसरी ग्रंथि, ये यकृत है, इस यकृत से पीत रस का स्रावण होता है। कौन से रस का, पीत रस का स्रावण होता है। ये अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है सन 2018 में 14 जुलाई कॉन्स्टेबल का द्वितीय पारी का पेपर था, उसके अंदर यह पूछा गया था कि ये पीत रस का जो स्रावण है ये कौन कौन कहाँ से होता है, यकृत से होता है। और उसमें था पूछा था कि इसका जो स्टोर है या इसको जो संग्रहित कहाँ किया जाता है पीत रस को, ये पीत रस होता है पित्ताशय के अंदर। ये जो पित्ताशय है, जैसे कि एक थैली नुमा संरचना होती है, जैसे कि ये क्या है, एक लीवर है, लीवर के यहाँ पे एक छोटी सी थैली नुमा संरचना होती है, इस थैली नुमा संरचना को कहा जाता है क्या, पित्ताशय। इस थैली नुमा संरचना यकृत के अंदर होती है, इसको पित्ताशय कहते हैं, और इस पित्ताशय के अंदर ही ये पीत रस सारा का सारा स्टोर रहता है। यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि पीत रस का संग्रहण कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, तो यह होता है पित्ताशय में। और पूछा जाए कि यदि इसका स्त्रावण कहाँ पे होता है, तो स्त्रावण होता है हमेशा कहाँ पे, यकृत के अंदर इस पीत रस का स्त्रावण होता है। ये क्या करता है कि जैसे कि HCl क्या करता है कि यह एक तरह का अम्ल है, और जब क्या बढ़ जाए, पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाए, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, एसिडिटी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, एसिडिटी कहा जाता है। या जब अपन अधिक अम्लीय पदार्थ खा ले तो इसे एसिडिटी हो सकती है। तो इस अम्लता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पीत रस क्या करता है कि ये वापस इस अम्लता को क्या करता है, कम करता है। और कुछ पॉइंट ध्यान रखना, ये यकृत है, ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। और जो पहला बड़ा अंग है वो कौन सा है, वो है स्किन, यानी कि त्वचा। पहला बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। और इस यूरिया के जो निर्माण होता है, ये यूरिया बनता है अपने कहाँ पे, लीवर के अंदर ही बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अग्नाशय पैनक्रियास ग्रंथि की। इस अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, यानी कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम का इसका क्या होता है, स्त्रावण होता है। अपन ने देखा था कि आमाशय के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम था, इस पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को, कौन से एंजाइम ने, पेप्सिन एंजाइम ने बदला था किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर इसने बदला था। अब ये जो पेप्टोन्स हैं, इस पेप्टोन्स को ये जो अग्नाशय रस हैं, ये अग्नाशय रस बदलता है एमिनो अम्ल के अंदर। किसके अंदर बदलता है, एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो अम्ल के अंदर बदलता है। और अपनी जो शरीर की ऊर्जा है, ये ऊर्जा भी रहती है कहाँ, किसके रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में रहती है अपने सारी की सारी ऊर्जा। यानी कि जो अपन भोजन करेंगे, इस भोजन का पाचन कुछ इस प्रकार होगा, और सारी अपने को जो ऊर्जा मिलेगी एमिनो अम्ल के रूप में मिलेगी। जैसे कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ने किया, पेप्टोन्स में बदला, और इस पेप्टोन्स को जो ऊर्जा के रूप में बदलेगा एमिनो अम्ल में, कौन बदलेगा इसको, अग्नाशय रस ये बदलेगा। धन्यवाद।